अब्दुल भाई, बिल में कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं दो बार चेक किया है। नहीं, मुझे इसमें दूध के पैसे थोड़े जास्ती लग रहे हैं। और सुनिए, वो मैंने ज्यादा दूध पिया होगा इसलिए बिल ज्यादा आ गया होगा। नहीं रे नहीं रोशन, जितना दूध हर महीने आता है उतना ही दूध आया है। अच्छा, अगर दूध ज्यादा नहीं मंगाया तो अब्दुल बिल ज्यादा कैसे आया? वो क्या है ना सोड़ी भाई, दूध का भाव बढ़ गया है। एक महीने से दूध का भाव 5 रुपए बढ़ चुका है। ये तो बहुत जास्ती है अब्दुल भाई। अब कंपनी ने भाव बढ़ा दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ सोनिया, ऐसी गल है, अभी कंपनी अगर दाम बढ़ा दे तो अपना अब्दुल क्या करे? हाँ लेकिन आपको बिल्ले बताना चाहिए था ना अब्दुल भाई। क्या है ना, काम के चक्कर में बताना भूल गया मैं। नहीं भूलना चाहिए ना अब्दुल भाई, दूध के भाव अगर 5 रुपए से बढ़ गए तो आपको सौटी बिल्ले हमको बताना चाहिए। ओ डार्लिंग, अब अब्दुल भूल गया तो भूल गया, इसमें क्या हुआ? तू समझ नहीं रहा है रोशन, हमारे घर में दूध बहुत जास्ती यूज होता है। दूध, दही, मक्खन, घी, लस्सी, पनीर, ये सब दर रोज यूज होता है। अगर दूध इतना महंगा हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? रोशन डार्लिंग, तेरे रोशन सिंह सोडी को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा? हाँ, वो पहले भी जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए थे तब भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो पहले भी मैं डीजल 1000 रुपए का भरवाता था, अब भी मैं डीजल 1000 रुपए का भरवाता हूँ। अरे तुसी दोनों तो सीरियस हो गए, वो ये जोक था। ये जोक करने का टाइम नहीं है। अब्दुल भाई, कल से आप 1/2 लीटर दूध कम दीजिएगा। सुनिए, वो भाव बढ़ गए तो बढ़ गए, और दूध में कोई कटौती नहीं हो सकती, और दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पंजाब के पुत्र के घर में दूध की कमी नहीं चलेगी। और सुबह पहले लस्सी, और दोपहर को फिर छाछ, और रात को गर्मा गर्म दूध, और साथ में मक्खन, पनीर और शुद्ध घी, और ये सब तो दूध से ही बनता ना। अब्दुल, तो हमारे घर जितना दूध देता था ना उतना ही देते रहना। रोशन, दूध के भाव बढ़ गए हैं। अब्दुल भाई, ये दूध के भाव आपने तो नहीं बढ़ाए ना? नहीं नहीं रोशन भाभी, दूध का भाव मैंने नहीं बढ़ाया है, कंपनी ने बढ़ाया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना अब्दुल भाई। भूल गया रोशन भाभी। अब्दुल भाई, बुरा मत मानना, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस पे भरोसा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो बाहर पूछ सकते हो। ठंडे रख सोनिए, वो गलती इंसान से ही होती है। वो अब्दुल से अभी गलती हो गई है, पर दोबारा गलती नहीं करेगा, है ना अब्दुल? हाँ हाँ, दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी। सुना रोशन डार्लिंग, अभी अब्दुल से कोई गलती नहीं होगी। ओए अब्दुल, तू जा, ओए हमको तुझ पे पूरा भरोसा है यार। थैंक यू सोड़ी भाई, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। हाँ चल, बाय बाय। अच्छा, और तेरे पैसे अभी मैं तेरे को देते हुए जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ओके, और सुनिए, और सुनिए, वो किस सोच में पड़ गई यार? मैं सोच रही हूँ कि हमें किसी दूसरे दुकान में देखना चाहिए, शायद थोड़ा सस्ते में दूध मिले। वो भाव बढ़ गया तो बढ़ गया, तू क्यों टेंशन लेनी है? तू चुप करनी बाबा, मैं तेरे गैराज के काम में दखल देती हूँ क्या, जो तू मेरे घर के काम में बोल रहा है? इस घर की होम मिनिस्टर मैं हूँ। और मेरी सोनी है, तू इस घर की खाली होम मिनिस्टर ही नहीं है, और तू इस घर की हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर, यहाँ तक की प्राइम मिनिस्टर भी है। और मैं तेरा फाइनेंस मिनिस्टर, और गोकुलधाम का डिफेंस मिनिस्टर। बस बस, अबे दूध के दाम 1 लीटर पे 5 रुपए बढ़ गया है। अब्दुल को ये बात हमें को बिल्ले बतानी चाहिए थी। जो गलत है वो गलत है। बढ़ते हुए दूध के भाव की वजह से बहुत ताने सुनने पड़े। मेरे भाई रोशन भाभी ने भी बहुत सुनाया, अब हाथी भाई क्या कहते हैं देखते। अरे अब्दुल भाई, आप जो दूध ला के देते हो ना, मम्मी ने उसी दूध के मावे के पेड़े बनाए। एक पेड़ा तो चख ले। वाह मस्त है। थैंक यू। आती भाई, ये सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल है। अच्छा। और कोमल भाभी, ये मेरे दुकान का बिल है। हाँ। पिछले महीने का। अब्दुल भाई, ये दूध के भाव में 5 रुपए ज्यादा क्यों लगाया है? पिछले महीने से दूध का भाव 5 रुपए बढ़ गया था। पिछले एक महीने से दूध का भाव बढ़ गया और आप अभी बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, वो क्या है कि मैं भूल गया था। अगर आपको पैसे काटने तो आप काट सकते हैं। अरे नहीं नहीं अब्दुल, तू तो घर का आदमी है। थैंक यू आदि भाई, कंपनी ने ही भाव बढ़ा दिया तो उसमें मैं क्या कर सकता है।
सही बात है। नो नो सही बात नहीं, गलत बात है। ऐसे अचानक दूध का भाव बढ़ा दिया तो गलत ही है ना। आज से दूध का बजट कंट्रोल करना होगा। कोमल तुम जो शाम को खीर बनाने वाली थी वो नहीं बनेगी। कोमल ये तो गलत बात है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। और हाँ ये जो मावे के पेड़े हैं ना ये आज लास्ट, आज से दूध की कोई मिठाई नहीं बनेगी। अब्दुल भाई कुछ करो प्लीज, कुछ करो, कुछ भी करके दूध का भाव कम कराओ, नहीं तो मिठाई विठाई सब बंद हो जाएगी। गोली भाव कम नहीं होगा। सॉरी मम्मी। आई एम आल्सो सॉरी। पापा मिठाई बंद होने वाली है। डोंट वरी बेटा कुछ करेंगे प्लीज। कोमल मैं आपके लिए कर्मा करम ब्लैक कॉफी लाती हूँ। थैंक यू मैं चलता हूँ। पापा देवी दूध का भाव क्या बढ़ गया, सब नाराज हो गए। बिल देख के मेहता साहब और अंजलि भाभी क्या कहेंगे कुछ पता नहीं। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब्दुल आओ बैठो। नहीं नहीं ठीक है। चाय? नहीं नहीं मैं चाय पी क्या है, आप बताइए आप कैसे हैं। हमारा क्या है अब्दुल, बस चल रही है जिंदगी, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या बात है मेहता साहब। अरे अब्दुल भाई आप यहाँ कैसे, तारक आपने इनसे कुछ मंगवाया? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मंगवाया। नहीं नहीं मेहता साहब ने कुछ नहीं मंगाया है, वो सोसाइटी के मेंटेनेंस का बिल और मेरे दुकान के पिछले महीने का बिल। ये लीजिए। इस महीने आपका बिल अलग क्यों है? अलग मतलब नई बिल बुक छपवा लिए क्या अब्दुल? तारक मजाक मत कीजिए, ये बिल आप ही की जेब पे भारी पड़ने वाला है। मतलब? मतलब ये कि इस महीने बिल में दूध का भाव बढ़कर आया है। क्यों क्या हुआ? तो देसी दूध कंपनी ने भाव बढ़ा दिया है इसलिए थोड़ा बिल बढ़ गया है। मुझे तो लगता है थोड़े दिन में पेट्रोल और दूध के भाव सेम हो जाएंगे। अब्दुल भाई दूध के भाव बढ़ गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। सॉरी अंजलि भाभी वो मैं बताना भूल गया, लेकिन मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो अब्दुल यार, हम तुम पे अविश्वास थोड़े करेंगे। अब्दुल भाई हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दूध के भाव बढ़ गए तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ क्या करना पड़ेगा? दूध का उपयोग कम करना पड़ेगा। अरे अंजलि ये कोई इलाज थोड़ी है भाई, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या चीजों का उपयोग करना कम कर देंगे हम लोग? कम करना पड़ेगा तारक, घर का बजट मेंटेन करना पड़ता है। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई महंगाई तो हमेशा बढ़ने वाली है अंजलि, महंगाई कम नहीं होती। क्यों? ये सब नेता तो कहते हैं हमेशा कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई कम कर दी है। महंगाई हम आम लोगों की उम्र की तरह है, बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होती है। नेता को क्या, चुनाव जीतने के लिए कहते रहते हैं महंगाई कम कर देंगे महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम कहाँ होती है, वो तो जनता का वोट जीतने के लिए कहते रहते हैं। हाँ अब्दुल जनता भोली वाली इनकी बातों में आ जाती है, और महंगाई है कि कम नहीं होती। हाँ दूध का भाव तो हर साल बढ़ता ही है, कम तो होता ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया अब्दुल भाई कल से दूध बंद। दूध बंद मतलब क्या अंजलि, थोड़ा बहुत दूध तो चाहिए ना, मेरी चाय में तो चाहिए ना दूध। तारक बिना दूध की चाय पी लेना। अरे यार ये क्या बात हुई अंजलि यार, बिना दूध की चाय पी लीजिए। सॉल्यूशन कैन नॉट बी वर्स देन द प्रॉब्लम अंजलि। एक चाय मिलती है मुझे दूध वाली, और वो भी उसमें भी दूध बंद, यार ये क्या बात हुई। हेलो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम तारक, बिना दूध की चाय पीने से दो काम होंगे, एक तो दूध बच जाएगा और आपका डाइट भी मेंटेन हो जाएगा। हो गया ना, एक पंथ दो काज। वैसे तारक एक पंथ तीन काज, आजकल तो लोग वैसे भी वेगन बन रहे हैं। ये अंजलि भाभी कौन सा गन? गन नहीं अब्दुल भाई, वेगन। पशु और पशु से मिलने वाली कोई भी चीज हम खाने में उपयोग ना करें उसे वेगन बोलते हैं। अंजलि तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मैं दूध वाली चाय पीता हूँ तब मेरा दिमाग फ्रेश होता है भाई। आपका दिमाग चाय से फ्रेश होता है ना तारक, तो बिना दूध वाली चाय पी लेना।
अंजलि शायद तुम भूल रही हो कि मूलतः मैं लेखक हूँ, मुझे लिखना पड़ता है और लिखने के लिए विचारों की आवश्यकता होती है और विचारों के लिए दिमाग फ्रेश चाहिए और मेरा दिमाग दूध वाली चाय से ही फ्रेश होता है। देखिए कल से आप एक बार कोशिश तो कीजिए, बिना दूध की चाय की आपको आदत पड़ जाएगी। मुझे घर का खर्चा भी तो कम करना है, बजट भी तो देखना है, प्लीज। खर्चा कम करना है ना अंजलि, तो मेरी दूध वाली चाय पे क्यों वार कर रही हो भाई? अपना ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दो, पैसा ज्यादा बचेगा। इसमें मेरा ब्यूटी पार्लर कहाँ से बीच में आया? भाई जहाँ से मेरी दूध वाली चाय आई। तारक आपको ना बिना मतलब की मेरे साथ बहस करने की बहुत आदत पड़ गई है, आपको जो करना है कीजिए। अरे अरे अंजलि सुनो तो, अरे अंजलि, अरे क्या यार अब्दुल, तेरे इस दूध के दाम के चक्कर में मेरे चाय में दूध बंद हो जाएगा यार। अरे भाव मैंने नहीं, कंपनी ने बढ़ाया है। वार तो मुझ पे हो रहा है ना, पहले चाय पे वार हुआ और अब ये नाराज हो गई यार। अंजलि क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? अरे बबीता जो की ऐसा है बहुत हंसने को आ रहा है, लो तुम भी देखो। भगवान अगर तू मुझे 100 रुपए देगा तो मैं 50 रुपए मंदिर में चढ़ावा दूंगा। वाह भगवान, आपने 50 पहले ही काट लिए। Really? है ना बनी? हाँ वो तो है, इंसान में कितना लालची होता है ना। मतलब उससे 100 रुपए मिलेगा तो वो उसमें से 50 रुपए भगवान को देगा। बोलो। हाँ उसको 50 रुपए मिला तो 25 रुपया भगवान के मंदिर में चढ़ाने के बजाय वो भगवान को ही कहता है, क्या भगवान 50 रुपए पहले से ही काट लिया। वैसे अय्यर ये जो फनी तो है पर सोचा जाए तो ये जिंदगी का काफी हार्श रियलिटी है। भगवान इंसान को कितना भी देना, इंसान को हमेशा कम ही पड़ता है। इंसान का ग्रेड और उसका लालच ही इन सब का वजह है। एग्जैक्टली अब लालच ही इंसान को गलत काम करने के लिए ना मजबूर करता है। हो तो है। अय्यर भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भगवती जी आपको गुड मॉर्निंग, आपको सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग। अरे हाँ सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग टू यू टू। आओ बैठो। नहीं नहीं इट्स ओके, सोसाइटी के मेंटेनेंस का बिल आया हूँ और पिछले महीने के मेरे दुकान का बिल आया हूँ। अच्छा अच्छा मुझे दे दीजिए आप। थैंक यू बबीता जी। हाँ पिछले महीने दूध का भाव थोड़ा बढ़ गया था इसलिए इस टाइम बिल थोड़ा ज्यादा है। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, मैं देख लेती हूँ। अब्दुल भाई मुझे तो लगा था कि 1-2 रुपए बढ़े होंगे, ये तो पूरा 5 रुपए बढ़ गया है, मतलब 55 रुपीज से डायरेक्टली 60 रुपीज पर लीटर। अब्दुल ऐसा क्यों? वो अय्यर भाई देसी दूध कंपनी ने 1 महीने पहले ही भाव बढ़ा दिया था। रेट 1 महीने पहले बढ़ गया है, आप अभी हमें बता रहे हो? वो मेरी गलती है, एक्चुअली काम के टेंशन में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। रेट कंपनी ने बढ़ाया है कि तुमने? कैसी बात कर रहे हो अय्यर भाई, रेट कंपनी बढ़ाएगी तो ही तो मैं बढ़ाऊंगा ना, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं अब्दुल भाई ऐसी बात नहीं है, आप पर हमें पूरा भरोसा है, इट्स जस्ट नेक्स्ट टाइम से जरा क्या जब भी है ना ऐसा रेट बढ़ जाए ना तो हमको पहले से बता दिया करो, ठीक है? जी जी। पर अब्दुल भाई दिस इज टू मच, कंपनी ने एक ही बार में 5 रुपए कैसे बढ़ा दिया, मतलब कैसे हो सकता है ये सब? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वो कैसे? अब्दुल ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जितना इंसान पर होता है ना उतना ही एनिमल पर भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग का असर गाय और भैंस पर होता है और वो दूध देना कम कर देती है। अच्छा? और दूध का डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, इसलिए दूध का रेट बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं दिन पर दिन मांसाहार भी बढ़ रहा है, नॉन वेज खाने वाले लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है। अभी दूध का रेट 60 रुपीज हुआ है, हो सकता है आगे चलकर 100 रुपीज हो जाए। अय्यर भाई इसका कोई उपाय नहीं है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमको नेचर मतलब प्रकृति के साथ जीना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। एग्जैक्टली हमें हमारे एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज अब्दुल भाई नेक्स्ट टाइम से किसी भी चीज का भाव बढ़े ना प्लीज हमें पहले से बोल दीजिएगा। हाँ हाँ पक्का पक्का, अब मैं चलता हूँ। आजकल की लड़कियों को अच्छी बॉडी वाले लड़के अच्छे लगते हैं। ये वो क्यों नहीं रहा? अच्छा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, शायद इस वजह से।
लोग बराबर बोलते हैं, खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहले दूध पी लेता हूँ, फिर कल से शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग पपड़ भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, आजा आजा। कैसे है पपड़ भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। अच्छा हुआ तू आ गया भाई, कल से आधा लीटर दूध ज्यादा लगेगा। हाँ अच्छा, क्यों? अरे मैं अपनी सेहत बना रहा हूँ ना, तो कल से दूध ज्यादा लगेगा। पोपट भाई, ये मेंटेनेंस का बिल और मेरे दुकान का बिल पिछले महीने का। हाँ हाँ। अब्दुल ये क्या है? ये दूध का पैसा ज्यादा क्यों लगाया भाई? वो क्या है ना, कंपनी ने एक महीने पहले भाव बढ़ा दिया है, 5 रुपए लीटर। क्या 5 रुपए प्रति लीटर? एक महीने से भाव बढ़ गया और तू मुझे आज बता रहे? सॉरी। सच बता भाई, ये दूध का भाव तुमने बढ़ाया कि कंपनी ने बढ़ाया? नहीं नहीं, कंपनी नहीं बढ़ाया। अरे ऐसे कैसे कंपनी दूध का भाव बढ़ा सकती? पैसे क्या पेड़ पे उगते? क्या पोपड़ भाई, आप भी, अगर पैसे पेड़ पे उगते तो सारे बंदर करोड़पति बन जाते। ये अब्दुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, फिर से सॉरी। अरे कंपनी वाले ऐसे कैसे भाव बढ़ा सकते हैं? इसी तरह से भाव बढ़ते रहे तो आम इंसान दूध कैसे पिएगा, अपनी सेहत कैसे बनाएगा? मैं मुझ जैसे कुंवारे आदमी को अपनी सेहत बनानी बहुत जरूरी है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। और अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देता तो मैं देसी दूध कंपनी की दुनिया हिला देता, उनके खिलाफ हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखता, मोर्चा निकालता, किसी भी तरह मैं दूध का भाव कम करवाता। लेकिन अभी तो एक महीने से भाव बढ़ा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब क्या करूं? फिर से सॉरी भाई, तू सॉरी बोलना बंद कर। देख अब्दुल, मुझे इतना महंगा दूध नहीं परवड़ेगा, क्या करूं? अभी मेरे लिए सेहत बनानी जरूरी है और सेहत बनाने के लिए दूध पीना जरूरी है। थोड़े दिन के लिए ये दूध चालू रखता हूँ, लेकिन फिर ढूंढता हूँ भाई, मुझे कोई और अच्छा दूध सस्ते में मिल गया तो मैं ये देसी दूध कंपनी का दूध बंद कर दूंगा। और हाँ, कल से मैंने तुझे वो दूध ज्यादा लाने को बोला था ना, वो मत लाना भाई। अच्छा चलता हूँ। केसरियो रंग तन लाग्यो मारी चायड़ी, आहा केसरियो रंग तन लाग्यो रेलो। पापा कैच। क्या कर रहा है टप्पू? सॉरी। वो अभी बॉल दूध पर लगता, दूध गिर जाता तो। पापा मुझे आपके हाथ में ट्रे दिखी नहीं। अरे क्या दिखी नहीं, और वैसे भी ये कोई खेलने की जगह है टप्पू। क्या पापा, आप कैच नहीं पकड़ पाए इसलिए ऐसा बोल रहे ना? ए, बेटा वो मेरे हाथ में ट्रे थी ना, इसलिए मैं पकड़ नहीं पाया। अगर ट्रे नहीं होती ना तो एक हाथ से कैच पकड़ लेता। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हम कैच कैच खेलते हैं, जिसने भी पहले कैच ड्रॉप किया वो हारा। ठीक है चला। ठीक है पापा, रेडी? हाँ रेडी रेडी, चल कैच। क्या बात है, क्या बात है, तू रेडी? हाँ कर लिया ना कैच पापा। हाँ देखा भाई देखा, चल चल चल, रेडी कैच। कुछ भी ऐसा वैसा कर बेटा, मैं पकड़ लूंगा। चल अभी ये पकड़। पप्पू जी, अरे क्या कर रहा है टप्पू? तो खड़ो जाए, क्या कर रहा है टप्पू? अरे पापा मैंने क्या किया, आपने बॉल फेंका। अरे तो कैच पकड़ना चाहिए ना तुझे। पापा लेकिन मैं कैसे पकड़ता बॉल? आपने पहले मेरी तरफ बॉल फेंकने की एक्टिंग की, फिर आपने बॉल यहाँ फेंक दिया। चुप रहे पप्पू जी, आपको लगा तो नहीं ना? अरे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटा सा बॉल उसे चोट पहुंचा सके। अरे बचाओ का शुद्ध देसी घी खाया है, ये देख। ओहो बापू जी। नहीं मेरा मजबूत बापू जी है। मजा आ गया। उसमें मजा क्या आ गया? मैं गिरा उसमें मजा आ गया? नहीं नहीं, ये उम्र में भी आप इतने मजबूत हो, मुझे देख के मजा आ गया। वाह वाह बापू जी, आप मुस्कुराए तो अभी लग रहा है कि आज की प्रभात शुभ हुई। शुभ प्रभात बापू जी। शुभ प्रभात। आइए आइए नाश्ता कर लेते हैं। आखिरी पढ़ाओ जेठा भाई। जेठा भाई का कोई टेंशन नहीं, मस्त आदमी है। उफ, एक तरफ आसमान से बरसती गर्मी और दूसरी तरफ दूध के बढ़े हुए दामों की गर्मी गोकुलधाम में। इस वक्त गोकुलधाम में गर्मी का 2 गुना कहर है
और गोकुलधाम निवासियों को यह शिकायत है कि अब्दुल ने बताया नहीं कि दूध के दाम बढ़ गए। भाई बताना चाहिए, बात तो सही है, अगर नहीं बताएंगे तो दिक्कत तो होगी, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में गुस्सा है, नाराजगी है दूध के बढ़े हुए दामों के लिए, और सबकी नाराजगी समेट कर इस वक्त अब्दुल जा रहा है जेठालाल के घर। भाई सुबह सुबह इतनी खुशनुमा सुबह, और दूसरी तरफ अब्दुल सीढ़ियां चढ़ रहा है दूध के बढ़े हुए दामों के साथ ये बिल लेके। अब वहां क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप जानते हैं चंपक चाचा को गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, तो अब इस चीज पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे अब्दुल को, और अब्दुल वापस क्या कहेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि यहाँ दूध के दाम भले ही बढ़ जाए, लेकिन आपके जो दूध जैसे दांत है ना, ये नजर आएंगे जब आप खिलखिलाएंगे। देखते देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।